साथियों, बेहतर परिणामों के लिए अलग अलग एजेंसियों के बीच के साइलोज को भी खत्म करना बहुत आवश्यक है। ज्वाइंट और मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन आपसी विश्वास के माहौल में ही संभव होगा। अब देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज उससे बाहर भी पैसों का, लोगों का, गुड्स एंड सर्विसेज का बड़े पैमाने पर मूवमेंट हो रहा है। जैसे जैसे भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है तो अड़चनें पैदा करने वाले भी बढ़ रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने पर, हमारी एकता और भाईचारे पर, हमारे आर्थिक हितों पर, हमारे संस्थानों पर भी नित्य प्रतिदिन प्रहार बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसमें जाहिर तौर पर करप्शन का पैसा लगता है। इसलिए हमें क्राइम और करप्शन के मल्टीनेशनल नेचर को भी समझना होगा, स्टडी करना होगा, उसके रूट कॉज तक पहुंचना होगा। आज हम अक्सर देखते हैं कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण क्राइम ग्लोबल हो रहे हैं, लेकिन यही टेक्नोलॉजी, यही इनोवेशन समाधान भी दे सकते हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक साइंस के उपयोग का और ज्यादा विस्तार करना होगा। साथियों, साइबर क्राइम जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें इनोवेटिव तरीके खोजने चाहिए। हम टेक एनेबल एंटरप्रेनर्स और यंगस्टर्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं। आपके संगठन में ही कई टेक्नोसेवी युवा होंगे जिनका बेहतर उपयोग किया जा सकता है।